ऑल राइट, हाय लीना, नमस्ते। तो इससे पहले हम लोग ने जो लेक्चर देखा था, आई होप आपने माइग्रेशन की जो हम लोग ने थ्योरीज देखी थी वो आपने रिवाइज करी होगी, राइट? और माइग्रेशन में देखो पढ़ना क्या क्या है। हम लोग ने कल थ्योरी देख ली थी, एक थ्योरी रह गई है, उसको देख लेंगे। इज द ऑडियो वीडियो गुड ना? आवाज ठीक है, सब कुछ ओके, थैंक यू। तो कल हम लोग ने एक थ्योरी देख ली थी, ये मतलब एक थ्योरी बची है। थ्योरी के बाद आज जो हम लोग यहाँ पे लेक्चर देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल माइग्रेशन और इंडिया का माइग्रेशन समय के साथ कैसे कैसे क्या रहा है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग अब सिलेबस में देखो तो बस वहां पे शब्द मेंशन है इंटरनेशनल माइग्रेशन और कुछ नहीं मेंशन है। तो बस आप में आपने उसी में से चीजें इवॉल्व करनी है। तो जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है उसको हम लोग देखेंगे समय के साथ वो कैसे चेंज हुआ है। जब ये हम समझा देंगे, इसके बाद हम समझाएंगे किस तरीके से इंडिया का माइग्रेशन चेंज हुआ है, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन, जिसको इमिग्रेशन और इमिग्रेशन बोलते हैं। इसको समझाने के बाद हम आपको कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ाएंगे, माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ऑन अ जनरल नोट पढ़ाएंगे। उसके बाद जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है उसकी वो हम आपको देंगे। सो इतना करने के बाद अपना जो टॉपिक है माइग्रेशन का वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे, कल और परसों ऑफ रखेंगे, ठीक? उसके बाद हम लोग मिलेंगे, सो तारीख हो जाएगी 14, 15, 16 को हम लोग मिलेंगे, ठीक? तो काफी लोग बाहर भी जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे होंगे, कोई भी है, सो ये 2 दिन ऑफ रखेंगे। बाकी आज जितना देख सकते हैं उतना देखेंगे। तो क्लास आज की थोड़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आज ये माइग्रेशन को थोड़ा बहुत ज्यादा कवर करा दूं, ठीक है? तो आज थोड़ी सी क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम, जरा सा बस, सो टॉपिक ज्यादा कवर कराना है। ऑल राइट, तो फिर जो आता है आता रहेगा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके कूल, सो अपनी जो एक थ्योरी रह गई थी कल का, काफी ज्यादा हम लोग ने थ्योरी निपटा दी थी, एक थ्योरी लास्ट वाली रह गई है उसको हम लोग कवर करते हैं। चलिए, सो यहाँ पे जो थ्योरी थी, जो एक्चुअली वो थ्योरी क्या, वो थ्योरी माइग्रेशन की थ्योरी कम है, वो माइग्रेशन को डिफाइन करेगा कि किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट हुआ है। सो माइग्रेशन के साथ साथ वो डेवलपमेंट को भी खींचेगा। तो वो सबसे लास्ट में थ्योरी आई है जिसने सभी चीजों को अपने साथ बटोर लिया, उसको बोला जाएगा उसने सभी चीजों को साथ में बटोर लिया। तो उससे शुरुआत करेंगे हम लोग, ज़ेलेंस्की की माइग्रेशन थ्योरी। चलिए ठीक है, लिखते हैं। ज़ेलेंस्कीज माइग्रेशन थ्योरी, ज़ेलेंस्कीज माइग्रेशन थ्योरी, इसको ज़ेलेंस्कीज थ्योरी ऑफ मोबिलिटी भी बोलते हैं। मोबिलिटी का मतलब ही होता है मूवमेंट, तो इसमें किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे मोबिलिटी बोले चाहे माइग्रेशन बोले, दोनों बातें एक ही है, ज़ेलेंस्कीज थ्योरी ऑफ मोबिलिटी। सो यहाँ पे अगर आप सभी को याद हो तो हम लोग ने पॉपुलेशन, जब ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एक थ्योरी पढ़ी थी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये जनाब ने उस थ्योरी को अपनी थ्योरी के साथ जोड़ दिया, तो इन्होंने क्या किया, he was able to relate migration to different stages in the demographic transition, in the
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विद द टाइप ऑफ सोसाइटीज and suggested the type and intensity of migration. So इन्होंने क्या किया, ये जनाब ने माइग्रेशन को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के साथ जोड़ दिया, क्योंकि हम लोग ने जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी देखी थी उसमें देखा था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सोसाइटी है वो एडवांस स्टेज की तरफ जा रही है, जिसमें कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम हो रहे हैं। तो इन्होंने वो जो पैटर्न था सोसाइटी को उसको पकड़ा और देखा उसमें माइग्रेशन कैसे कैसे अलग अलग स्टेजेस में चल रहा है, हो रहा है। उस हिसाब से इन्होंने चार कैटेगराइजेशन किया, चार चीजें बांटी। तो ये जो चार कैटेगराइजेशन इन्होंने किया उसका, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला पहले सोसाइटी पहली स्टेज में होती है, फिर दूसरी स्टेज में, तीसरी स्टेज में, चौथी स्टेज में। तो पहले ट्राइबल होती है सोसाइटी, इसके बाद उसमें अर्ली एक्सपेंशन स्टेज होती है, अर्ली एक्सपेंशन रूरल होती है ज्यादातर यहाँ पे सोसाइटी। फिर लेट एक्सपेंशन होता है, लेट एक्सपेंशन इसमें अर्बनाइजेशन आ जाता है और इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। फिर मॉडर्न स्टेज आ जाती है जिसमें अल्ट्रा मॉडर्निज्म होता है और इसमें वेरी हाई डेवलप्ड सेंटर्स बन जाते हैं अलग अलग जगह पे। ये इनकी बेसिकली थ्योरी थी, ये था। अब हम लोग एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, वो क्या रहा है सब में। तो मैं अपने नोट्स यहाँ बताऊंगा, उसके बाद बुक में मार्क करा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हम अपने नोट से पढ़ा दें आपको। सो ट्राइबल सोसाइटी थी, फिर अर्ली एक्सपेंशन उसमें रूरल सोसाइटी हुई, लेट एक्सपेंशन, देन मॉडर्न सोसाइटी, ये सब चीजें थी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहली, फर्स्ट ट्राइबल, यही प्रिमिटिव है, यही आपकी प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी। इसमें क्या है, प्रिमिटिव डेमोग्राफिक स्टेज का क्या मतलब है, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट। तो इसमें माइग्रेशन ऐसा इतना नहीं होगा, नो माइग्रेशन। क्योंकि सेल्फ सस्टेन्ड सोसाइटी है, जो कुछ चाहिए सब अंदर ही अवेलेबल है, इतनी नीड ही नहीं है इनकी। सेल्फ सस्टेन्ड सोसाइटी है, इतनी ज्यादा नीड ही नहीं है। लिमिटेड ट्रेड होता है और यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो एज अ कॉमन रिसोर्स ट्रीट किए जाते हैं, उसको बोला जाता है कम्युनल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। मतलब तालाब है, जंगल है, सबका है, वो किसी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। कम्युनल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस, ये पहली बात हो गई। तो यहाँ पे देखा हमने नो माइग्रेशन पहला हो गया। नेक्स्ट सेकंड
रूरल, रूरल या इसी को बोलेंगे अर्ली ट्रांजिशन सोसाइटी, अर्ली ट्रांजिशन सोसाइटी। अब यहां पे क्या होगा, माइग्रेशन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन लिमिटेड होगा, लिमिटेड माइग्रेशन, लिमिटेड माइग्रेशन। माइग्रेशन अगर ये जो होगा अभी, तो जो रूरल सोसाइटी है ये माइग्रेट करेंगे जो थोड़े बड़े विलेजेस होंगे उनके कंपैरिजन में, तो माइग्रेशन टुवर्ड्स, माइग्रेशन टुवर्ड्स लार्जर विलेजेस, माइग्रेशन टुवर्ड लार्जर विलेजेस। इसी में हमें देखने को मिलेगा बिगनिंग ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रीज, पहली इंडस्ट्रीज लगने लगेंगी। तो जब पहली इंडस्ट्री लगने लगेंगी तो यहां पे भी तो होगा माइग्रेशन, तो मतलब माइग्रेशन दो जगह हो रहा है, एक हो रहा है लार्जर विलेजेस की तरफ और इंडस्ट्रियल सेंटर्स की तरफ भी होगा माइग्रेशन जॉब के लिए, ना इंडस्ट्रियल सेंटर्स, इसीलिए है अर्ली ट्रांजिशन सोसाइटी। ये दूसरा स्टेज हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज अर्बनाइज्ड इकोनॉमी, अर्बनाइज्ड इकोनॉमी हो गई। इसी को हम लोग बोलेंगे लेट ट्रांजिशनल सोसाइटी, लेट ट्रांजिशनल सोसाइटी। इसमें क्या होगा, जो सेंटर्स थे इंडस्ट्रियल सेंटर, अब ये बड़े हो गए, लार्ज इंडस्ट्रियल सेंटर्स, लार्ज इंडस्ट्रियल सेंटर्स। फिर माइग्रेशन भी बढ़ जाएगा, माइग्रेशन, माइग्रेशन, माइग्रेशन जो होगा लार्ज स्केल होगा, लार्ज स्केल माइग्रेशन। और इसमें हम लोग यहां देखेंगे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन भी बढ़ेगा। यहाँ पे जो छोटे अर्बन सेंटर्स हैं बड़े अर्बन सेंटर्स की तरफ लोग जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सिटीज विल ग्रो डिसप्रोपोर्शनेटली, डिसप्रोपोर्शनेटली। बड़े पैमाने पे सिटीज बनने लग जाएंगी, पॉपुलेशन माइग्रेशन की वजह से सिटीज में बढ़ने लग जाएंगी, सिटीज विल ग्रो डिसप्रोपोर्शनेटली। ये हो गया तीसरा स्टेज। चौथे स्टेज में क्या होगा, मॉडर्न सोसाइटी हो जाएगी, इसी को बोलेंगे एडवांस सोसाइटी। डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब कि सिटीज क्यों होने लग जाएंगी, बताया मैंने कि माइग्रेशन बहुत बड़े पैमाने पे होने लग जाएगा। जैसे दिल्ली वगैरह का साइज देखिए, मुंबई वगैरह का साइज देखिए, तो बहुत बड़ी है बाकी सिटीज के कंपैरिजन में। कुछ पॉकेट्स हैं अपने भारत के, वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, वहां पे माइग्रेंट्स बहुत बड़े पैमाने पे हैं। ऐसे ही दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, ये सारे के सारे जो मेट्रोपॉलिटन एरिया हम लोग बोलते हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली, सो मॉडर्न या एडवांस सोसाइटी, मॉडर्न या एडवांस सोसाइटी। इसमें क्या होगा फोर्थ स्टेज में, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ अर्बनाइजेशन, ज्यादातर अर्बनाइजेशन हर जगह हो जाएगा। इंक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके बाद यहाँ पे अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। याद है सर्कुलेशन, आईटी वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था,
तो इस सर्कुलेशन में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये है आपका मॉडर्न या एडवांस सोसाइटी। ये पूरी स्टेजेस ज़ेलेंस्की की जो माइग्रेशन की थ्योरी है, इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को माइग्रेशन के साथ कनेक्ट किया है। और जो मॉडर्न या एडवांस सोसाइटी होगी, इसमें माइग्रेशन कम हो जाएगा, माइग्रेशन एज सच यहाँ पे नहीं होगा, इट विल रिड्यूस, क्योंकि ऑलरेडी सभी जगह पे अर्बनाइजेशन हो गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो चुकी है। तो मैंने आप लोग को आई थिंक पहले भी बताया था, जो सर्कुलेशन इट इज नॉट पार्ट ऑफ द माइग्रेशन। सो यहाँ पे हम लोग देखें तो माइग्रेशन कम होने लग जाएगा एक्चुअली, और जो थर्ड स्टेज है उसमें माइग्रेशन ज्यादा होगा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, उसके बाद कम होने लग जाएगा। लोग घर बैठे ही काम कर रहे हैं, इतना उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद रूरल सेंटर जो है वो भी कम हो गए हैं, क्योंकि सब अर्बनाइज्ड हो चुके हैं, तो मॉडर्न और एडवांस सोसाइटी में माइग्रेशन कम हो जाएगा। सो ये थी ज़ेलेंस्की की माइग्रेशन थ्योरी, जिन्होंने रिलेट किया चीजों को अलग अलग स्टेजेस से, माइग्रेशन को अलग अलग स्टेजेस से इन्होंने कनेक्ट किया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फ्रेश पेज स्टार्ट करिएगा, माइग्रेशन थ्रू वर्ल्ड्स हिस्ट्री। माइग्रेशन थ्रू वर्ल्ड्स हिस्ट्री, माइग्रेशन थ्रू वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं माइग्रेशन के। सो इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड इंस्टांसेस ऑफ माइग्रेशन, ये अपने को समझना है, कैसे वेव चली माइग्रेशन की, कब कब, तो ये हम लोग देखेंगे क्या क्या सीन रहा। तो इसमें कुछ बातें लिखते हैं पहले, उसके बाद मैं शुरू करूं कुछ पॉइंट्स। तो ये जो आपका टॉपिक है इंटरनेशनल माइग्रेशन, सो ये सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड करोगे, जो सिलेबस में इंटरनेशनल माइग्रेशन लिखा हुआ है ये सब उसी में आएगा। मैन हैज ऑलवेज बीन माइग्रेटरी, मैन has always been migratory, हमेशा से मूव करता रहा है, हमेशा से मूव करता रहा है। The growth and spread of civilization happened from few river basins, सबसे पहले नदी के मुहाने पे, उसी के आसपास ही सभ्यता का उद्गम हुआ, ग्रोथ हुआ, स्प्रेड क्यों हुआ, बिकॉज पहले पॉइंट की वजह से। मैन हैज ऑलवेज बीन माइग्रेटरी, हमेशा से मूव करता रहा है। मैन इवॉल्व्ड in Africa and gradually spread out over more than 10,000 years, तब से लेके 10,000 सालों तक पिछले वो मूव ही कर रहा था, राइट? ये बोला जाता है ओवा थ्योरी, आउट ऑफ अफ्रीका, ओवा, आउट ऑफ अफ्रीका ओरिजिन थ्योरी।
आउट ऑफ अफ्रीका ओरिजिन थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अर्लिएस्ट स्प्रेड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन वॉज अ वेरी स्लो प्रोसेस was a very, very slow process. This slow process is known as diffusion. It's called the diffusion of population. Slow and gradual process जो होती है, that is known as diffusion. Earliest spread of human population was a very, very slow process. The slow process is known as diffusion. तो इंसानों का diffusion हो रहा था, human population का diffusion हो रहा था पहले के time पे, सबसे पहले. So यहाँ पे एक point लिख सकते हैं, related to diffusion, migration is faster. क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था ना पहले रेवेनस्टीन के लॉ में कि विद इंक्रीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी माइग्रेशन विल इंक्रीज, विद इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कम्युनिकेशन माइग्रेशन हमारा बढ़ जाएगा. तो यही पॉइंट, सही बात है, रिलेटेड टू डिफ्यूजन. यहाँ पैदल चल रहा है, नाव से कुछ चल रहा है, जानवरों पर बैठ के चलेगा, बट माइग्रेशन में टेक्नोलॉजी वगैरह इंप्रूव हो गई तो माइग्रेशन विल बी फास्टर. लास्ट पॉइंट, माइग्रेशन बिकेम मोर कॉमन एंड इन लार्ज स्केल during and after 1200 AD. ऐसा क्या हो गया था इस टाइम पे? Because sea voyages समुद्र यात्रा स्टार्ट हो गई थी, sea voyages started. और इसमें भी देखा जाए तो पुर्तगाल का एक था हेनरी द नेविगेटर जिसको बोलते थे, इसने स्टार्ट किया पहले, हेनरी द नेविगेटर. तो अब क्या हो रहा है, 1200 एडी से हम लोग जान रहे हैं एज ऑफ सी वॉयजेस बोला जाता है. इस टाइम पे क्या हुआ कि बड़े पैमाने पे यूरोपियन नेशंस के कुछ लोग अलग अलग दुनिया की खोज करने निकल गए बड़े पैमाने पे. उनको वहां के राजा रानी से परमिशन प्राप्त हुई और वो लोग निकलने खोज में मूव करने चले गए. सो अब जो वेव है माइग्रेशन की, कैसे क्या क्या आगे चला, उसको हम लोग कई पैटर्न में देखते हैं. तो सबसे पहले मैं एक स्केल लिखा दे रहा हूँ टाइम का, फिर उसके बाद मैं उस पर थोड़ा थोड़ा जॉटिंग्स करा दूंगा, लिखा दूंगा. तो 6 अलग अलग फेजेस हैं, और आज का भी इंक्लूड कर लो तो 7 फेजेस हैं. तो पहले वो 7 फेजेस लिख लो, उसके बाद हम उस पर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कराते हैं. फेजेस ऑफ माइग्रेशन, पहला माइग्रेशन ऑफ स्पैनिश एंड पुर्तगीज टुवर्ड्स साउथ अमेरिका. 1400 एडी की बात है लगभग. इसमें हम सब थोड़ा बताएंगे डिटेल में, अभी बस लिख लो कौन कौन से फेसेस हैं. नेक्स्ट, स्लेव ट्रेड
स्लेव ट्रेड एंड एसोसिएटेड माइग्रेशन, एंड एसोसिएटेड माइग्रेशन. नेक्स्ट इंडेंचर्ड लेबर स्कीम, इंडेंचर्ड लेबर स्कीम. नेक्स्ट इंडेंचर्ड लेबर स्कीम, माइग्रेशन रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर, रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर. नेक्स्ट माइग्रेशन ड्यूरिंग 1950s 70s 80s, इसको एक साथ देख लेंगे. नेक्स्ट माइग्रेशन ड्यूरिंग 1980s 1990s, फिर लास्ट में रिसेंट माइग्रेशन. लिख लेना तो बता देना. अब इस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं. ओके ठीक, आज लग रहा है सब दिवाली मना रहे हैं. छोटी दिवाली मना रहे हैं, आज आए नहीं है, छोटी दिवाली मना रहे. चलिए कोई नहीं. तो सबसे पहला जो पॉइंट था, हाँ वही लग रहा है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं घर से बाहर रहते हैं, वो लोग सब हो सकता है घर गए हो. तो माइग्रेशन ऑफ स्पैनिश पोर्टुगीज टुवर्ड साउथ अमेरिका, सबसे पहले ये निपटाते हैं कि क्या सीन है. सबसे पहला माइग्रेशन ऑफ स्पैनिश एंड पोर्तुगीज टूवर्ड साउथ अमेरिका, ये सीन क्या है. ये सीन कुछ ऐसा है, पहले हम जरा मैप बना लें फिर समझे. तो ये साउथ अमेरिका, ये इधर यूरोप, ये इधर अफ्रीका. सो यहाँ पे क्या हुआ, माइग्रेशन ऑफ स्पेनिश एंड पोर्तुगीज टूवर्ड साउथ अमेरिका. स्पेनियन और पोर्तुगीज के कुछ लोग अब क्या होने लगे, सेंट्रल अमेरिका की तरफ गए और साउथ अमेरिका की तरफ गए. एक वेव चली. सो यहाँ पे ये लोग आके बसने लग गए. ये यहाँ है ब्राजील. एंड आई थिंक मैंने आप लोग को बताया भी था जब हम पॉपुलेशन पे लैटिन अमेरिका के बारे में बता रहे थे, कि सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका पे बड़े पैमाने पे स्पैनिश और पुर्तगीज बोलने वाले लोग रहते हैं. ये स्टार्टिंग में हमने बताया था. तो ये कारण क्या है, कारण यही है क्या कि 1400 AD के अराउंड ये लोग बड़े पैमाने पे शिप लेके निकलते हैं और अटलांटिक ओशन क्रॉस करते हैं और यहाँ पे पहुंचते हैं. तो ब्राजील में और यहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स थी, जैसे अमेजन रिवर है तो अमेजन ट्राइब है, तो वहां पे इन लोगों ने उनको एक अच्छे खासे जगह से खदेड़ फेंका, दूर निकाला, और वहां पे अपना कॉलोनाइजेशन कह सकते हैं एक तरीके का, वो करना शुरू कर दिया. सो इन लोगों ने क्या किया, दोनों स्पेनिश और पुर्तगीज दोनों में कॉम्पिटिशन था. तो इन लोग ने पहले यहाँ अपने को इस्टेब्लिश किया, फिर इधर इस्टेब्लिश किया, फिर ऐसे ऐसे करते करते ये ऊपर की तरफ जाने लग गए. लेकिन यहीं पे इनमें बीच में इतना कॉम्पिटिशन आ गया था, आपस में ही मारकाट ये लोग करने लग गए. तो हुआ क्या, पोप के पास जाते हैं, यूरोप में पोप के पास जाते हैं और एक समझौता करने की कोशिश करते हैं कि पोप जी हमारी हेल्प करिए, अगर ऐसे चलते रहा तो फिर कैसे काम हो पाएगा. तो पोप बोलते हैं, बेटा मैंने एक समाधान निकाला है. बोलते हैं क्या, कहेंगे जो अमेजन रिवर का माउथ है वहां से हम लोग क्या करते हैं, एक पेपल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, इतना समझना नहीं है, बस इतना
अभी मैं लिखा दूंगा, पहले अभी सुन लीजिए। कहते हैं एक पेपर लाइन ड्रॉ करते हैं, पेपर लाइन, पेपर लाइन ये करेगी कि जो अमेजन जहां से निकल रही है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको बोला पेपर लाइन, पेपर लाइन। और परमिशन दी, परमिशन दी ईस्ट ऑफ लाइन जो है वो जो ब्राजील है राइट, वहां पे क्या होगा कि स्पेनियन होंगे, मतलब सॉरी इसके वेस्ट में स्पेनियन, इसके ईस्ट में पोर्टुगीज, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा बंटवारा इन्होंने किया था कि एक तरफ पोर्तुगीज संभालें, उसके उधर वो लोग निकलें, और इस पेपर लाइन के एक साइड स्पेनियन रहे, तो इन दोनों में आपस में कोई प्रॉब्लम ना हो, इन दोनों को आपस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कहा ठीक है, बात मान लेते हैं। सो इधर वाला पोर्शन बोला गया पुर्तगीज देखेंगे, सो जो ईस्ट पेपर लाइन के ईस्ट में पूरा रीजन आ रहा है पुर्तगीज अपने कब्जे में करेंगे। तो अगर आप लोग को पता हो ईस्ट में ही तो इधर इंडिया पड़ता है, ईस्ट में ही तो इधर इंडिया पड़ता है, इसीलिए तो पुर्तगाली इंडिया में आए थे, क्योंकि समझौता हो गया 1600 में, पुर्तगाली तो इंडिया में आए थे 1600 के अराउंड जमोरिन के उसमें यहाँ पे, तो एक समझौता हो गया, तो ये स्पेनियन नहीं निकले इस तरफ, उनको उधर का परमिशन दे दी थी, तो स्पेनियन क्या करे कि वो लोग यहाँ ऊपर की तरफ जाने लग गए। अब स्पेनियन के ये रीजन हो गया ना इधर स्पेनियन का, सो अब ये लैटिन अमेरिका वगैरह ये सब स्पेनियंस ने अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया, और ईस्ट ऑफ पेपर लाइन जो था वहां पे पुर्तगाली जाने लग गए, ये बात है। सो ये पोप ने एक समझौता करा दिया था, तो जरा लिख लीजिए कुछ। सो ईस्ट में ये ब्राजील भी आ जाएगा, तो ब्राजील भी पोर्टुगीज के उसमें आ गया था अंडर में। सो इसमें लिखेंगे पोर्टुगीज कॉन्कर्ड ब्राजील, ब्राजील वाइल स्पेनियंस, स्पेनियंस मूव टूवर्ड्स वेस्ट वर्ल्ड, मूव टूवर्ड्स वेस्ट वर्ल्ड इंटू रीजन्स ऑफ लैटिन अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक, ये हो गया। इसमें लिखेंगे हम लोग पेपल लाइन, पेपल लाइन थ्रू माउथ ऑफ अमेज़न, माउथ ऑफ अमेज़न। सो ईस्ट ऑफ लाइन, ईस्ट ऑफ लाइन पोर्टुगीज, वेस्ट ऑफ लाइन स्पेनियंस। तो कहानी याद रहेगी, और जो लिखना चाहो आप लोग बाद में लिख लेना। इसीलिए पोर्टुगीज इंडिया की तरफ मूव करते हैं, और जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं थाईलैंड सिंगापुर फिलीपींस, ये रीजन इनके हाथों में आता है। सो ये स्पैनिश जो थे जब ये मूव कर गए ऊपर, स्पैनिश मूव ऊपर करके, तो स्पैनिश गॉट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ गोल्ड, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ गोल्ड। दे डिस्ट्रॉयड लोकल ट्राइब्स, destroyed local tribes and civilization. Local tribes थी ना वहां पे जहां ये लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में घुस रहे थे, इस्थमस ऑफ पनामा से वहां पे लोग निवास करते थे।
तो सबको मारते जा रहे थे. फॉर एग्जाम्पल इनका ट्राइब्स एंडीज में निवास करती थी. मायान ट्राइब मेक्सिको और नॉर्थ अमेरिका की ट्राइब. एस्टेक्स मेक्सिको की ट्राइब. तो इसीलिए आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं साउथ अमेरिका में मिक्स ड्रेसेस पाई जाती हैं. मिक्स ड्रेसेस मतलब कि समझ रहे हो, मैक्सिकन जो है मिक्स ड्रेस कैसे हैं, वो साउथ अफ्रीका के भी ट्राइब के हैं और पुर्तगीज स्पेनियन ट्राइब के भी हैं. तो मिक्स्ड ट्राइब निवास करती है वहां पे. सो टुडे साउथ अमेरिका हैज मिक्स्ड ड्रेसेस. चलिए ये आपका पहला वाला हो गया, पहली माइग्रेशन जो थी स्पेनियन पुर्तगीज की. अब दूसरा वाला देखते हैं, स्लेव ट्रेड एंड एसोसिएटेड माइग्रेशन. नेक्स्ट, स्लेव ट्रेड एंड एसोसिएटेड माइग्रेशन. हुआ क्या इसमें, इसमें ये हुआ कि फिर से एक मैप बनाते हैं. तो यहां पे क्या हो रहा है कि भाई हमें पता है स्लेव ट्रेड क्यों स्टार्ट हुआ. स्लेव ट्रेड इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि बड़े पैमाने पे यहाँ पे कॉटन वगैरह उगा रहे थे, प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो रहा था साउथ अमेरिका में, राइट. और उसके बाद जो नॉर्थ अमेरिके की ये रीजन है, यहाँ पे कॉटन प्लांटेशन बहुत हो रहा था. कॉटन प्लांटेशन या तो शुगर केन, कॉफी, राइट, इन सबके बड़े बड़े प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो रहा था. तो यहाँ पे लेबर्स की जरूरत थी और ये लोग लेबर्स कहाँ से लाए, अफ्रीका से लाए. बहुत खरीद फरोख्त होती थी, डॉलर्स में मिलते थे, बड़े पैमाने पे शिप्स पे लद लद के आते थे. कई मूवीज भी बनी है इस पे, 12 इयर्स अ स्लेव भी बहुत जबरदस्त मूवी है. सो यहाँ पे ये लोग क्या है, रबर प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन उन लोग के लिए यहाँ पे लाए जाते थे. सो यहां से मान लो ये पोर्ट से लाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको स्लेव पोर्ट भी बोला जाता है. अलग अलग जगह पे लाए जा रहे हैं रबर प्लांटेशन काम करने के लिए, शुगर केन प्लांटेशन में काम करने के लिए, ठीक है. तो जब ये लोग यहाँ पे स्लेव्स ला रहे हैं, यहाँ पे स्लेव्स ला रहे हैं, तो इसके रिटर्न में ये लोग क्या देते थे, इसके रिटर्न में ये लोग लिखिए, यहीं पे लिख लो, एक्सचेंज स्लेव्स फॉर शुगर रम एंड रबर. बदले में ये देते थे, वहां पे स्लेव्स ले लेते थे और बदले में ये देते थे. अच्छा, फिर यहां से स्लेव्स, राइट, यहां से स्लेव्स फिर दिए जाते थे ऊपर की तरफ, मतलब ये जो कॉटन प्लांटेशन हो रहा है यहां पे दिए जाते थे, यहां पे दिए जाते थे तो यहां से यहां पे भी दिए जाते थे और यहां से स्लेव्स खरीद के यहां पे भी जाते थे. तो अब जो मैं बनाने जा रहा हूं उस पर बहुत ध्यान देना, जो मैं बनाने जा रहा हूं क्या, एक तो साउथ अमेरिका में हम लोग ने देखा स्लेव जा रहे हैं, एक देखा हम लोग ने नॉर्थ अमेरिका में जा रहे हैं. सो ये जो ग्रीन से अब बना रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये प्रॉपर बना नहीं है बट ये ट्राइंगल बनता है. ये ट्राइंगल जिसको बोलते हैं स्लेव ट्राइंगल, इंपॉर्टेंट है, प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे चीजें. स्लेव ट्राइंगल इसको बोलते हैं, स्लेव ट्राइंगल. तो अगर इसको मैं ट्राइंगल की तरह बनाना चाहूं,
समझ में आ गया है क्या रब करें? ठीक है लीना, सम रब ना करें ना, चलिए ठीक है। सो दिस, ये जो ग्रीन में है, दिस इज नोन एज स्लेव ट्राइंगल। तो अब जरा छोटी सी बात समझते हैं। तो जब ये नॉर्थ अमेरिका में स्लेव्स ले जा रहे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका वाले इनको क्या भेजते थे? नॉर्थ अमेरिका वाले इनको गोल्ड और कॉटन देते थे। तो ये जो तीन बातें वो जरा लिख लो यहीं पे, फ्रॉम अफ्रीका दे टेक स्लेव्स फ्रॉम साउथ अमेरिका दे टेक sugar, rum and rubber in exchange of slaves from North America they take cotton and gold in exchange of slaves। यही बात है, यही चल रहा है स्लेव ट्राइंगल में, यही चल रहा है स्लेव ट्राइंगल में। और दूसरी चीज और जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में, ये पता है कहाँ भेजा जा रहा है? ब्रिटेन में भी भेजा जा रहा है। ये ब्रिटेन में भी भेज रहे हैं, ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे, ब्रिटेन में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू ब्रिटेन। यही तो आगे जाके बवाल चल जाता है, नहीं स्लेव्स नहीं, जो प्रोडक्शन हो रहा है। स्लेव्स तो ऐसे ही डायरेक्ट वहां ले जाते थे, जो आउटपुट हो रहा है वो। हाँ यही तो आगे जाके वहां पे वॉर का कारण बनता है, कि बोला जाता है वहां पे कुछ लोग कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, और जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है हम ब्रिटेन में क्यों भेज रहे हैं, हम क्यों उस पर टैक्स दे रहे हैं, वो तो इतनी दूर रह रहे हैं, वो तो देख नहीं रहे हैं वहां के राजा रानी, तो हम उनको क्यों दे रहे हैं। तो इसीलिए ये लोग इंडिपेंडेंस के अपने घोषणा करते हैं उनसे, और यहाँ पे फिर जो वर्ल्ड हिस्ट्री में काफी इवेंट्स होते हैं, सिविल वॉर वगैरह होता है, ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चा उठा लेते हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं उनसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बात है कि वो लोग तो इतनी दूर रहते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में आके काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सो ये चीज ठीक है, ये हुई बात। और स्लेव ट्रेड को फाइनली बैन किया जाता है 1807 में ब्रिटेन में, स्लेव ट्रेड वॉज बैंड इन ब्रिटेन, और 1864 में बैंड इन द यूएस बैंड हो गया। अब स्लेव बैन हो गए, तो अब इसका रास्ता दूसरा क्या निकाला, जो तीसरा फेज मैंने लिखाया है, इंडेंचर लेबर स्कीम। ये क्या है? ये है कि जहां स्लेव्स को बैन कर दिया गया, तो सबको लगा कि अब कैसे काम होगा। तो अब क्या किया गया, स्लेव्स को राइट्स दे दिए गए। यहाँ पे स्लेव्स को राइट्स दे दिए गए, प्रॉपर कागजी कार्रवाई होने लग गई। तो अब इन लोग को एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट दिखाने की कोशिश करी गई कि एम्प्लॉयमेंट इन लोग को मिल गया, राइट। सो क्योंकि बड़े पैमाने पे फील्ड्स थी, बड़े पैमाने पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो रहा था, प्लांटेशंस थे बड़े बड़े, तो भाई काम करने के लिए लोग चाहिए, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, काम करने के लिए लोग चाहिए। लेकिन स्लेवरी तो बैन हो गई, तो अब क्या करेंगे, एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम निकाला alternative system indentured labor scheme का, right? So labor with wages and rights, labor with
wages and rights and were allowed to retire with compensation. Wow, wow, kya baat hai. And were allowed to retire with compensation. Also, one more important thing. यहाँ पे क्या हुआ? Indentured labor can move with their villages and families also. अपने पूरे गांव, अपने पूरे families के साथ जो है move कर सकते थे. तो क्या हुआ? बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हुआ, बिल्कुल हुआ. इंडियन एंड चाइनीज चूज टू रिलोकेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, अमेरिका एंड इन साउथ ईस्ट एशिया. आज के टाइम पे भी देखो, भारत का अच्छा खासा कम्युनिटी रहता है मॉडर्न वर्ल्ड में. अगर देखा जाए, भारत का अच्छा खासा इन नेशंस में है लोग. क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे बहुत पहले मूव किए थे. कमला हैरिस, देखिए कमला हैरिस, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो कमला हैरिस है. भले वो बाद में मूव करी हो, लेकिन बट स्टिल वो भी इसी माइग्रेशन का एक हिस्सा रही. उनकी मम्मी भी इसी माइग्रेशन का एक हिस्सा रही. सो इंडियन एंड चाइनीज चूज टू रिलोकेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया. तो साउथ ईस्ट एशिया में अभी भी चाइनीज पॉपुलेशन अच्छी खासी है. तो ये कहाँ पे काम करते थे? प्लांटेशंस ऑफ पाम, शुगर केन, रबर एसेट्रा. तो जो साउथ ईस्ट एशिया है, इसका ये मतलब है मलेशिया फिलीपींस इंडोनेशिया. अच्छे खासे भारतीय हैं यहाँ पे. फिलीपींस इंडोनेशिया, ये सब बातें हैं, ठीक. और अगर बात करी जाए, इंडियंस की अच्छी खासी तादाद है उसमें, अफ्रीका में. जैसे ईस्ट अफ्रीका में कंट्रीज लाइक तंजानिया, इथोपिया, स्वाजीलैंड. फिर साउथ अफ्रीका में डर्बन में अच्छे खासे भारतीय हैं. डर्बन, मॉरिशस, यहाँ की तो आई थिंक भोजपुरी ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी. मॉरिशस से ही वहां शायद कपिल शर्मा के शो में कुछ ग्रुप आया भी था, वो भोजपुरी बोलता था. सो मॉरिशस भोजपुरी ऑफिशियल लैंग्वेज. ये हो गया, ठीक है. मेडागास्कर, इसमें भी अच्छे खास हैं. मेडागास्कर. सो ये है बात इंडेंचर्ड लेबर स्कीम की. इसके बाद है फोर्थ फेज, माइग्रेशन रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर. सो जब भाई अपने को पता है वर्ल्ड वॉर छिड़ा, तो बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हुआ. फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्ल्ड वॉर वन की बात करी जाए, तो ओटोमन एम्पायर का विघटन हुआ था. ब्रेकिंग अप ऑफ ओटोमन एम्पायर जो टर्की वगैरह का था, वहां खलीफा सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने. सो बड़े पैमाने पे जो टुर्क्स थे They went to parts of Europe. तो वहां से बड़े पैमाने पे जो
टर्किश पॉपुलेशन थी यूरोप के अलग अलग जगह पे जाके सेटल हुई। इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं वर्ल्ड वॉर टू के दौरान और वर्ल्ड वॉर वन के भी दौरान बड़े पैमाने पे ज्यूइश पॉपुलेशन भी मूव करी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ज्यूइश पॉपुलेशन इनका हमें मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। इसराइल वगैरह जो बना है राइट, और ज्यूइश पॉपुलेशन वर्ल्ड वॉर वन में भी गई थी अलग अलग जगह पे, यूरोप के पार्ट में गई थी, यूएस में गई थी ज्यूइश पॉपुलेशन, अच्छी खासी ज्यूइश पॉपुलेशन रहती है यूएस में भी। फिर वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे क्या हुआ, इनको एक अलग नेशन मिल गया इसराइल। तो वो जो हाँ बिल्कुल अरे बहुत बड़े पैमाने पे लीना डॉक्यूमेंट्री अच्छी खासी, उसने जलती भट्टियों में इन लोग को डलवा दिया था, इतनी ज्यादा इनसे घृणा करता था। तो इसको कुछ कैंप करके बोला जाता है, तो उसमें इन लोगों को डाल दिया गया था। तो बहुत ही क्रूरता दिखाई थी, इसीलिए बड़े पैमाने पे जर्मनी से जो ज्यूइश थे वो मूव करे थे। ये था सो वर्ल्ड वॉर टू के पहले ही ज्यूइश पॉपुलेशन मूव करने लग गई थी। तो वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म होता है तो इसराइल में बड़े पैमाने पे ज्यूइश लोगों को यूरोप से और अमेरिका से कहा जाता आप लोग वहां जाके रह सकते हो। तो हुआ क्या था, एक जगह थी जॉर्डन, यहाँ पे पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन थी वो अरब्स की थी, अरब्स लोग निवास करते थे पूरे उसमें। तो इसको कार्व क्यों किया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में जो कंट्रीज जीती थी अब वही डिक्टेट करेंगी। तो इसको काट करके यहाँ से अरब लोगों को यहाँ से हटा दिया गया और कहा यहाँ से आप निकलो। तो ये जो एरिया खाली हुआ यहाँ पे ज्यूइश लोगों को बसाया गया, फिर ये आगे जाके बोला गया इसराइल। सो ज्यूइश पीपल फ्रॉम यूरोप सेटल्ड इन दिस पार्ट ऑफ जॉर्डन विच लेटर केम टू बी नोन एज इसराइल। ये कहानी है, इसीलिए तो इनका टसल चलता रहता है। ये जो इतना ज्यादा मिडिल ईस्ट में दिक्कत होती है, लड़ाई चलती रहती है इसराइलियों की और अरब की, जॉर्डन के बीच, ये सब पूरी कहानी इधर से शुरू होती है इनकी। वैसे तो सबकी सब जगह अलग अलग कहानी है, लेकिन वही है कि इनके बोला जाता है आपने मेरे एरिया से लोगों को भगाया है, निकाला है। तो ये चीज है, सो जॉर्डन वॉज कार्ड इन टू इसराइल एंड अरब्स वर फोर्स टू मूव आउट। ये सीन है। हाँ, यहीं पे पैलेस्टीन भी मुस्लिम्स डोमिनेटेड है, वहां पे भी अरेबियन पॉपुलेशन है। तो ये कहानी है। नेक्स्ट फिफ्थ फेज, एक मिनट मैं आ रहा हूं। ओके, ठीक है। सो फिफ्थ फेज माइग्रेशन इन 1950s, 70s, 80s, इसमें क्या हुआ। सो वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू हो गया, लोगों का माइग्रेशन हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें हुआ क्या, 1950s का जो दौर है ये बेसिकली यहाँ पे बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हुए, मेनली माइग्रेशन इन एशियन कंट्रीज। देखें तो इंडिया की बात करी जाए तो याद है इंडिया पाकिस्तान युद्ध में कितना बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ है लोगों का, कितना बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ है।
ये तो जरूर इंक्लूड करना पड़ेगा अपने को। तो माना जाता है 10 से 15 मिलियन लोगों का माइग्रेशन हो गया, 10 से 15 मिलियन माइग्रेशन हुआ लोगों का, पॉपुलेशन माइग्रेशन विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन 10 से 15 मिलियन पॉपुलेशन का माइग्रेशन देखने को मिलता है। इसके बाद जो माइग्रेशन है उसकी अगर बात करी जाए, सो एशियन नेशन से जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनसे बड़े पैमाने पे लोग कहाँ जाने लगे, मिडिल ईस्ट जाने लगे, राइट, मिडिल ईस्ट जाने लगे। काहे के लिए, ऑयल सेक्टर बूम यहाँ देखा गया, तो ट्रेमेंडस जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखी, वो लोग वहां चले गए, तो ये भी एक तरीके का मूवमेंट है। फिर माइग्रेशन देखें तो एशियन नेशन से हमें माइग्रेशन देखने को मिलता है यूएस और यूरोप की तरफ। इसमें जो ट्रेंड इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो जाने लग गए, ट्रेड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वो सब जाने लग गए। तो ये तीन तरीके के मूवमेंट माइग्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया का देखें तो इंडिया पाकिस्तान माइग्रेशन, भयंकर माइग्रेशन विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका इन सब एशियन नेशन से मिडिल ईस्ट जाने लग गए, फिर यूएस यूरोप जाने लग गए जो ट्रेंड ब्रेन थे वो सब। इसी के टाइम पीरियड पे कमला हैरिस वाला, उनकी मम्मी आई थी, यही पीरियड था, कमला हैरिस, यही पीरियड था, यही दौर था, उनकी मम्मी जब अमेरिका पहुंची। नेक्स्ट सिक्स्थ फेज, ओके ओके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सो रिलेट कर सकते हैं। ओके, सिक्स्थ फेज माइग्रेशन ड्यूरिंग 1980s 1990s, ये क्यों हुआ, इस समय क्या हो गया? सो मेनली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस टाइम पे अगर हम लोग देखें क्या हो गया था, इस टाइम पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें, यूएसएसआर कोलैप्स्ड हो गया था, बहुत बड़ी बात है, जो यूएसएसआर था वो कोलैप्स्ड हो गया इस टाइम पे, 1990-91 में कोलैप्स हो गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पे कंट्रीज आई उभर के सामने। पहले वो पूरा एक था, नंबर ऑफ कंट्रीज में टूटा, बर्लिन वॉल टूट गई, जिसने ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी को सेपरेट कर रखा था वो टूट गया। तो लोगों का बहुत बड़े पैमाने पे यूरोप में और यूरेशिया में लोगों का मूवमेंट हुआ, कई कंट्रीज सामने आई। इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें, यही वो टाइम है जब इंटरनेट सामने आता है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी बढ़ती है इस टाइम पे, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो अब डोमिनेट करेगी, ग्लोबलाइजेशन हमारे सामने आती है। और इसी में 1990 में WTO की स्थापना होती है, जो कि इसको फिर आगे जाके टैकल करेगा, रूल्स एंड नॉर्म्स बनाएगा, ठीक। सो यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, यूएसएसआर में जो पॉपुलेशन थी, यूरोप में जो पॉपुलेशन थी, वो रिडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुई। सो यूएसएसआर एंड यूरोप में जो पॉपुलेशन थी वो रिडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुई। फिर एशिया से अगर बात करें तो इंडिया और चाइना से आईटी प्रोफेशनल्स जाने लग गए। आईटी प्रोफेशनल्स कहाँ जाएंगे, आपका यूएस जाएंगे और यूरोप जाएंगे बड़े पैमाने पे, यही ब्रेन ड्रेन कहलाता है, ब्रेन ड्रेन, दिस इज नोन एज ब्रेन ड्रेन, आईटी प्रोफेशनल्स निकल के जाने लगे। इसके बाद यही वो फेज है 90s का, जब
जब मिडिल ईस्ट में 1990s के टाइम पे मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, इराक ईरान, इराक ईरान, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे, टेररिज्म सामने उभर के आता है, टेररिज्म, तो इसके कारण क्या होता है ना, बड़े पैमाने पे वॉर रिफ्यूजीज आते हैं, वॉर रिफ्यूजीज जो कहीं के नहीं रहे, जिनकी नेशनैलिटी नहीं कोई रही, मूव करे वो इधर उधर, उनकी नेशनैलिटी नहीं रही, उनके एरिया को उड़ा दिया गया, तबाह कर दिया गया, बम्बार्डिंग कर दी गई, कहीं के रहे नहीं वो, तो दे आर नोन एज वॉर रिफ्यूजीज। तो ये टाइम पे ये भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद लास्ट फेज है अपना रीसेंट माइग्रेशन। लास्ट फेज है अपना रीसेंट माइग्रेशन, आज के टाइम पे माइग्रेशन। आज के टाइम पे माइग्रेशन देखें तो सीरिया में काफी रिफ्यूजीज हैं जो मूव करते रहते हैं, और आए दिन न्यूज आती रहती है कि पता होना चाहिए क्या, ये जो अफ्रीका है इसके यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, फिर इधर यूरोप स्टार्ट हो जाता है ना, इधर ग्रीस वगैरह आता है, तो क्या करते हैं यहाँ से इलीगली इसको ट्रांसफर माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से सोचते हैं यूरोप में पहुंच जाएंगे, फिर असाइलम मिल जाएगा, रुकेंगे हम लोग, फिर वहां पे नेशनैलिटी मिल जाएगी। लेकिन मेडिटेरेनियन सी पार करते करते लोग लुढ़क जाते हैं। अभी कल ही की न्यूज है, 100 लोगों से भरी, मतलब 100 लोग जा रहे थे, पार कर रहे थे मेडिटेरेनियन सी, और काफी लोग मर गए, और एलन कुर्दी जो बच्चा था उसकी जो फोटो थी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, एलन कुर्दी की, वो तट पे मरा पड़ा हुआ था। सो ये सब जो चीजें हैं आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत ही वॉर कॉन्फ्लिक्ट रीजन हो गया, अफ्रीका के कई रीजन में बहुत ज्यादा वॉर वगैरह छिड़ी हुई है, ऐसे ही सीरिया हो गया, फिर आपने रोहिंग्या सुना होगा, रोहिंग्यास, तो इनकी भी प्लाइट, इनकी भी प्रॉब्लम कम नहीं है, म्यांमार रोहिंग्या वाला हो गया, फिर अफगानिस्तान बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा इसको दिखाते नहीं है, बट अफगानिस्तान में भी काफी ज्यादा माइग्रेशन, बाहर लोग जा रहे हैं यहाँ से अफगानिस्तान में, क्योंकि अब तालिबान को यहाँ पे आई थिंक लेजिटिमेसी मिलने वाली है, क्योंकि US ब्रोकरिंग कर रहा है अफगानिस्तान और तालिबान के गवर्नमेंट के बीच में, तो ये अगर इसको वहां पे अलाउ कर दिया सरकार में तो बहुत ही जबरदस्त चीज हो जाएगी। तो अपना भारत के साथ जो थोड़ा बहुत रिलेशन है अफगानिस्तान का अच्छा खासा, वो तो क्या बोला जाए, देखना होगा आगे क्या होता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक नई आई है, वो है डिजास्टर, डिजास्टर रिलेटेड माइग्रेशन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लड आ रहे हैं, ड्रॉट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण साइक्लोन्स आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। सो क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो मूवमेंट है इसको, इन लोगों को बोलते हैं क्लाइमेट रिफ्यूजीज, क्लाइमेट रिफ्यूजीज, इनकी भी संख्या बढ़ रही है, क्लाइमेट रिफ्यूजीज जो क्लाइमेट चेंज के कारण प्रभावित हो रहे हैं और अपने रीजन को छोड़ के जा रहे हैं। सो क्लाइमेट रिफ्यूजीज आज के टाइम पे रिसेंट माइग्रेशन की कैटेगरी में ये भी आता है, राइट। सो ये बात रही। लिख लिया डन, ओके। सो आज काफी ज्यादा जानकारी हो गई। अब इंडिया का सीन रहा है, इंडिया का सीन बता देंगे और उसके साथ साथ फाइनली हम लोग देख लेंगे कि जो माइग्रेशन होता है उसकी वजह से क्या क्या कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो इंडिया का पहला माइग्रेशन बताएंगे, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन कैसे, टाइम में क्या क्या रहा, उसके बाद कॉजेस बता देंगे। तो एक लेक्चर और मेरे को लगेगा, प्रॉपरली ये चीज हो जाएगी। तो आज जो बताया है जितना उसको आप देखना, और जो माइग्रेशन वाला चैप्टर है माजिद हुसैन में, उसमें ये बातें कुछ मिल जाएंगी। तो पहले मेरे नोट से आप पढ़िएगा, उसके बाद किताब रेफर करिएगा, जो भी जो सेक्शन जहां पे मिल रहा है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने जितना बताया है वो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, एक लॉजिकल सीक्वेंस लगा पा रहे हो,
तो आराम से माइग्रेशन पे अगर आता है कुछ ऐसा लिखना, हिस्टोरिकल कुछ पर्सपेक्टिव देना हो माइग्रेशन का, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो मैंने लिखा है उसको काट छाट के इधर उधर एक आंसर पिरोया जा सकता है, ठीक है। बाकी आप बुक रेफर कर लेना, माइग्रेशन चैप्टर जो है माजिद हुसैन का। बाकी ठीक है, चलते हैं, एंड हैप्पी दीपावली लीना और सभी लोग जो रिकॉर्डिंग देखोगे। हाँ, तुम लोग को आना चाहिए था, आए नहीं तुम लोग, ठीक है। सो चला जाए फिर, चलिए ठीक, बाय 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 बाय।